हेलो दोस्तों, कोई भी बिजनेस जो शुरू होता है एक बहुत ही बढ़िया आइडिया के साथ शुरू होता है, और आज उसी तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से हम अपने बिजनेस को डेवलप करने का एक नया तरीका देखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ एक सिटी, एक शहर की जो दिल्ली है, वहाँ पर एक स्टेशनरी की दुकान है, जिस स्टेशनरी की दुकान को रवि करके एक बंदा है जिन्होंने चलाना शुरू किया। एक छोटे से कस्बे के अंदर उसने अपनी दुकान जो है वो डाली थी, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके उसने काम करना शुरू किया था, और उसी टाइम पर और भी लोगों ने उसी बिजनेस के अंदर एंट्री करके एक बड़ा अंपायर खड़ा किया था। तो स्टार्टिंग के दिनों के अंदर बहुत ही अच्छी उसकी दुकान चल रही थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब कंपटीशन बढ़ी, जब ज्यादा लोग उस बिजनेस के अंदर आए, तो उसको चैलेंजेस आने शुरू हो गई। और चैलेंजेस कुछ इस तरीके से आए कि पहले कस्टमर उनके वहां ज्यादा आते थे, कुछ टाइम के बाद कस्टमर जो है वो कम आना शुरू हो गए। पहले का टाइम ऐसा था कि मार्जिन बहुत ज्यादा मिल जाता था कम प्रोडक्ट को सेल करके, अब कुछ ऐसा हुआ मार्जिन जो है वो कम होना शुरू हो गया। पहले का टाइम ऐसा था कि कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न उसको मिल जाता था, फिर कुछ ऐसा चैलेंजेस आया कि इन्वेस्टमेंट अब ज्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ी, लेकिन फिर भी रिटर्न जो उनको मिलना चाहिए वो कम मिलना शुरू हो गया। और यही चैलेंजेस जब उसको कंटिन्यू चलती रही, तब जाकर वो सोच रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा आइडियाज मैं मेरे बिजनेस में लेकर आऊं जिससे ये वाला प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व करूं। तो आप भी एक बिजनेस लेकर बैठे हो, आप भी अपने बिजनेस को चला रहे हो, तो आपको भी बहुत सारी चैलेंजेस अपने बिजनेस में रेगुलर बेस पर आती होगी। और आज का जो जमाना है वो कंपटीशन का जमाना है, उस टाइम पर हमें ये तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी खुद की यूएसपी होनी चाहिए। रवि को यही चीज़ जब फील हुई कि मुझे मेरी खुद की यूएसपी बनानी पड़ेगी, कि जो मार्केट से कुछ यूनिक होगी, उस टाइम पर उसने सोचा और एक विचार उसके माइंड में आया कि मुझे अब इसके ऊपर कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। उस प्लानिंग को करने के लिए वो अपने एक दोस्त को मिला। वो दोस्त जो था वो एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहा था, उसके अंदर वो सेल्स की पोजीशन के ऊपर काम करता था। तो वहाँ पर होता ये था, रेगुलर बेस के ऊपर उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह हुआ करती थी। वहाँ पर कुछ कंसल्टेंट लोग जो है वो आते थे और स्ट्रेटजी प्लान करते थे। तो रवि ने उसको बोला कि भाई मुझे भी मेरे बिजनेस को बड़ा करना है, अब मुझे भी कोई स्ट्रेटजी प्लान करेगी। तो शाम को वो लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर उन्होंने प्लानिंग किया, और प्लानिंग करके उन्होंने देखा कि सबसे पहला काम तो उनको ये करना पड़ेगा, उनके जो कॉम्पिटिटर है उसका उनको एनालिसिस करना पड़ेगा। सेकंड ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर अगर उनके वहाँ जा रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, मतलब R&D करना पड़ेगा। और जब उसने ये R&D करना शुरू किया, तब जाकर उसको रियलाइज हुआ कि उसकी जो शॉप है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना हो गया है। उसको ये फील होना शुरू हुआ कि उसके पास जो स्टॉक है वो डे स्टॉक बढ़ चुका है। उसको ये फील होना शुरू हो गया कि कस्टमर की डिमांड रोज नई नई आ रही है, लेकिन उसके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है जो मार्केट में बाकी लोग दे रहे थे। और ये सारा एनालिसिस जब उसने किया, तब जाकर उसने डिसाइड किया कि मुझे कुछ यूनिक चीज़ मार्केट में लानी पड़ेगी। और वो यूनिक चीज़ का जब प्लानिंग करना उसने शुरू किया, तो सबसे पहला स्टेप उसने ये लिया कि उसकी जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री को एक फ्लो में उसने मैनेज किया, जिसको कहा जाता है फीफो लीफो प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए भी ये चीज होगी कि फीफो लीफो प्रोसेस क्या है। तो इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट। तो ये पूरी प्रोसेस जब उसने अपनी कंपनी के अंदर सेट की और एक स्ट्रेटजी को जब उसने अप्लाई किया, तो उसके वहाँ सिनारियो कुछ ऐसा हुआ, 80% प्रोडक्ट उसके पास नहीं आ गई और 20% प्रोडक्ट ही उसके पास पुरानी थी। और उसके कारण हुआ ये कि कस्टमर की जो लेटेस्ट डिमांड थी वो सारी की सारी प्रोडक्ट उसके वहां अवेलेबल होना शुरू हो गई। अब सिनारियो कुछ ऐसा हुआ कि पहले जहां 10-15 लोग उनके वहां आते थे, अब 50 लोगों का आना वहां पर डेली शुरू हो गया।
उनका बिलिंग साइज जो पहले 500 से लेके 1000 रुपए का बन रहा था, अब उन्होंने वहां पर भी अलग अलग ऑफर्स प्लान किए और ऑफर्स के अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि हर एक बिलिंग काउंटर का काउंटर जो है वो मुझे बढ़ाना है। तो वहां पर भी उसने एक स्ट्रेटजी प्लान की कि उसने अब सेलिंग करना शुरू किया और अब सेलिंग के अंदर उन्होंने ऑफर ऐसी प्लान की जहां पर बल्क के अंदर उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट को डिजाइन किया और उसका मार्केट में मार्केटिंग करना शुरू किया कि जो इंसान 500 रुपए तक की प्रोडक्ट उनके वहां से ले रहा था, ऑफर के कारण 999 के अंदर उन्होंने प्रोडक्ट लेने शुरू कर दी, 1999 के अंदर उन्होंने ऑफर्स देने शुरू कर दी और कुछ जो रेगुलर कस्टमर उनके साथ बने हुए थे वहां पर उन्होंने स्ट्रेटजी कुछ ऐसे प्लान की कि लॉयल्टी कार्ड उन्होंने बनाना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, ये लॉयल्टी कार्ड क्या होता है? लॉयल्टी कार्ड का मतलब ये होता है आपके वहाँ पूरे महीने में 100 से ज़्यादा कस्टमर अगर रेगुलर बेस के ऊपर आ रहे हैं और कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो आपके फिक्स कस्टमर हैं जो बार बार लगातार आपके पास ही आ रहे हैं, तो आपके पास ऐसा एक स्पेशल कार्ड होना चाहिए जो खाली उन लोगों के लिए यूटिलाइज हो और वो जब भी वो चीज़ यूटिलाइज करें तो वहाँ पर उनके पॉइंट्स जो है वो रिडम हो और उस पॉइंट को यूज करने के लिए उनको दोबारा शॉपिंग करने के लिए आना पड़े। तो ऐसी 3 स्ट्रेटजी रवि ने अपने बिजनेस के अंदर अपनाई और अगले 6 महीने के अंदर उसका बिजनेस जो है वो 200% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ना शुरू हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर रवि की बात कर रहा हूँ, जी हाँ दोस्तों ऐसा नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये बताती है कि यही स्टोरी अगली आपकी भी हो सकती है, इसी स्टोरी के साथ आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि आज भारत के अंदर अगर देखे जाए बहुत सारी जगह से, बहुत सारे कस्बे से लोगों के कॉल आते हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं और लोग अपनी प्रॉब्लम जो है वो हमें शेयर करते हैं और पूछते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन क्या। क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिन्होंने MBA की डिग्री ली नहीं होती है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं और वहाँ से वो अपना बिजनेस करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो वही गाइडलाइन प्रोवाइड करने का काम उसके दोस्त के वहाँ जो वो ट्रेनिंग में जाता था और वहाँ पर जो कंसल्टेंट आकर उनको गाइडलाइन देते थे उसी टिप्स को उन्होंने अपने बिजनेस में अपनाया। और यही चीज अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आप भी एक कंसल्टेंट का सहारा ले सकते हो, एक कंसल्टेंट का सपोर्ट ले सकते हो, वो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपका दोस्त है। वो चाहेगा आपके बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से आगे लेकर जाना, वो चाहेगा कि आपका बिजनेस मल्टीपल लेवल पर ग्रो हो, लेकिन ज़रूरत होती है एक भरोसा, ज़रूरत होती है एक ट्रस्ट। और वो भरोसा, वो ट्रस्ट अगर आपने एक कंसल्टेंट को दिया और उसके साथ जुड़कर आपने अपने बिजनेस को ग्रो किया तो आपके बिजनेस में काम करने वाला पर्सन अब आप अकेले नहीं होगे, एक एक्सपर्ट बंदा आपके साथ होगा। और वो एक्सपर्ट बंदा जब नई नई क्रिएटिविटी आपको अपने बिजनेस में लाकर देगा तो ये सुबह जाना, शाम को आना, खाना पीना खाना और सो जाना, ये रूटीन में से आप बाहर निकल जाओगे और आप अपने बिजनेस को एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भूल गए हैं उन्होंने बिजनेस शुरू किया क्यों था, बहुत सारे लोग ये कहीं ना कहीं भूल चुके हैं उनके बिजनेस को स्टार्ट करने का उनका पर्पस था एंजॉयमेंट मिले, वो अपनी लाइफ को जिए। लेकिन आज एक बार आपको चेक करने की आवश्यकता है अगर ये स्टोरी आप तक पहुंची है कि अभी आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, अभी आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल हो रहा है, क्या आपकी पर्सनल लाइफ जा रही है, क्या आपकी प्रोफेशनल लाइफ जा रही है और इसको मैनेज करने के लिए क्या आपके साथ कोई खड़ा है। अगर कोई नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जैसे हज़ारों लोग आपके साथ खड़े हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए।
सो इसी तरीके से अलग अलग स्टोरी, अलग अलग वीडियोस अगर आप और ज़्यादा देखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमें थम देकर मोटिवेट करना पड़ेगा कि ऐसे वीडियोस और ज़्यादा हम आपके लिए बनाएं, और हम चाहेंगे ऐसे ही वीडियो आगे लगातार कंटिन्यू चलते रहे। आपके पास अगर आपके बिजनेस को ग्रो करने का कोई स्ट्रेटजी आपने अपनाया है तो आप ये कमेंट बॉक्स के अंदर डालकर बता सकते हैं, या अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में कोई चैलेंजेस आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसका सॉल्यूशन अगर आप हमसे चाहते हो तो आप अपने प्रॉब्लम भी यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, उसका भी सॉल्यूशन हम आपको देंगे और उसके ऊपर भी ऐसे वीडियो हम लगातार आपके लिए बनाते रहेंगे। तो मेरा नाम है किरण मोरे, गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी की ओर से पर्पस ही है कि हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू पहुंचाएं, और हम चाहेंगे ये मुनिम में हमें आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप ये स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता करें कि जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो करें, आप अपने बिजनेस को ग्रो करें और हम सब लोग मिलकर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।